फाइंड, आपको तीनों क्वेश्चनों को सोल्व करके बताना है आपके पास आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 64 की पावर, आपके पास है 1/2। 64 के हम फैक्टर कर लेते हैं तो ये हमारे पास होगा 2, 3, 2, फिर जाएगा 2 पे 1, 6, फिर जाएगा 2 पे 8, फिर जाएगा 2 पे 4, फिर जाएगा 2 पे 2 आ जाएगा, फिर जाएगा 2 पे, तो यहाँ पर मेरे पास है 1। तो आपने साफ साफ देखा है कि 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6, और आपके पास होल पावर है 1/2। आपके पास 6 भी पावर है और 1/2 भी पावर है, ब्रैकेट लगे तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मेरे पास 2 की पावर 6 × 1/2 हम लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 जा 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये 8 आंसर। ऐसे हम सेकंड पार्ट को कर लेंगे। सेकंड पार्ट आपके पास है 32 की पावर 1/5, तो हम 32 की पावर 1/5, 32 के फैक्टर करेंगे। 32 के फैक्टर आपको यहाँ पर दे रखे हैं 2, 2, 2, 2 और 2, यानी कि 2 की पावर 5 और होल पावर आपके पास है 1/5, ब्रैकेट लगी हुई है पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगी, यानी कि 2 मेरे पास हो जाएगा आंसर। ऐसे हम कर लेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट आपके पास है 125 की पावर है 1/3, 125 के हम फैक्टर कर लेंगे तो 5, 2, 5, 5, 5, और मेरे पास 5 पे ही 16 हो जाएगा, तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और होल पावर आपके पास है 1/3, ब्रैकेट में पावर है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो ये यानी कि 5 की पावर 3 × 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा, तो आपके पास 5 आ जाएगा आंसर। आपके पास तीन क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चनों को आपने फाइंड करना था, यानी कि आपने सोल्व करके बताना हमारा आंसर क्या आएगा। तो आपके तीनों पार्ट का आंसर आ चुका है।